मुंबईत अवैधरित्या वन्यजीवाची विक्री करणाऱ्या दोघांना वन्यजीव अपराध नियंत्रण विभागानं सापळा रचून अटक केली आहे शेख मोहम्मद दानिश अब्दुल रहीम मोहम्मद नदीम जमील अहमद असं आरोपीचं नाव असून सदर आरोपी मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवाची विक्री करत असल्याचं समोर आलंय यासंबंधी माहिती मिळताच उपवनरा संरक्षक वन्यजीव ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचून या आरोपीनं अटक केलेली आहे क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रेंज फॉरेस्ट ऑफिस वाइल्ड लाइफ मुंबई के जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में पांच टर्टल्स रेस्क्यू किया है जो दो बंदे लोग को अरेस्ट किया अंधेरी से ये दोनों बंदे लोग मालाड़ का रेसिडेंट है और इनके पास लाइव टर्टल्स सीज किया जो इलीगल तरीके से ट्रेड करने बेचने के लिए आया था अभी उनको एक तारीख तक फॉरेस्ट कस्टडी दिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है